मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी ने सुना है या देखा भी है कि हर एक घर में एक लेडीज सिलाई का काम करती हैं। कोई तो ऐसा बोलती है कि मैं दिन में 3-4 सूट बना देती हूँ, और कोई एक आध लेडीज ऐसी होती है जो बोलती है कि मैं तो दिन में बस एक ही सूट बना पाती हूँ। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर से देखना है। और सिलाई कोर्स आपको लेना है या सिलाई के पैटर्न आपको लेने हैं तो इस नंबर से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और वीडियो को एक लाइक जरूर से करना है, और चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहली बात मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आपकी जो सिलाई मशीन है वो एकांत में होनी चाहिए, जहाँ पे कोई शोर ना हो। या मतलब लेडीज की, जैसे घर में बहुत सारी लेडीज होती है आपस में बातें करती रहती है, वहाँ पे अगर आप सिलाई मशीन रख के सिलाई करेंगे तो आप सिलाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिलाई की मशीन आपकी एकांत जगह पे होनी चाहिए, और आपकी जो मशीन है वो फास्ट चलनी चाहिए, बीच में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि कई मशीनें ऐसी होती है कि कभी भी उसमें दिक्कत नहीं आती है और बहुत अच्छी सिलाई आती है, और कोई कोई मशीन ऐसी होती है जिनमें बार बार धागा टूटता है, या इसमें चैन आ जाती है, या इसमें कोई भी टेप आ जाती है, या धागा तोड़ती है बार बार। तो इस तरह की प्रॉब्लम मशीन में नहीं होनी चाहिए। आप छोटी मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मतलब बाहर का काम करते हैं, लेडीज सिलाई का या जेंट्स सिलाई का कोई भी आप काम करते हैं, तो आपके पास बड़ी मशीन होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो 4 सूट आप सिंपल मशीन पे सिम सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर आपको सिलाई करनी है तो इससे ज़्यादा आप मोटर वाली मशीन भी यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अम्ब्रेला मशीन भी यूज कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा आपको फैसिलिटी चाहिए तो आपके पास एक जुकी की मशीन होनी चाहिए, जो कि इतनी बड़ी मशीन होती है, वाइट कलर की होती है, और इसमें जैसे मोटर अंदर की साइड होती है जहाँ पे बच्चे भी हाथ नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरह की मशीन होनी चाहिए, वो 30,000 से लेके और इससे ऊपर आप कितने भी प्राइस की ले सकते हैं। हाँ, सिलाई करते समय आपका जो धागा है या कैंची है वो भी बिल्कुल मस्त चलने वाला होना चाहिए। कई बार धागा ऐसा आ जाता है कि बार बार टूट जाता है, तो इस तरह का धागा नहीं होना चाहिए। धागा आप पक्का लीजिए सिलाई करते समय, और आपकी जो कैंची है वो भी अच्छी चलनी चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कैंची लगवाई हुई नहीं होती है, जब आप कपड़ा काटते हैं तो बीच में धागा छोड़ देती है, कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इससे भी सिलाई में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। लेकिन आप अगर अच्छी एक सीजर रखोगे तो कटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी इसमें, और अच्छी कटिंग होने से स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी होगी और फास्ट में काम होगा। एकांत में ही सिलाई करनी चाहिए, यानी कि जैसे घर में 3-4 लेडीज होती हैं वो बातें करने लगती हैं, अगर आपके पास एकांत जगह नहीं है तो आप जैसे अपने फ़ोन में या अपने कोई टेप रिकॉर्डर में या कोई भी टीवी में आप गाना चला के अपनी सिलाई कर सकते हैं, यानी कि किसी के साथ बातें ना करें सिलाई करते समय, तो आप जल्दी काम कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जेंट्स टेलर जब सिलाई का काम करते हैं, छोटी सी शॉप में 5 या 6 जने या 10 जने भी काम करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो मशीनें होती है वो दीवार की साइड लगी होती है। सभी टेलर्स की मशीन दीवार की साइड लगी होती है, यानी कि वो अच्छे से काम कर पाते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, इसीलिए वो अच्छा काम कर पाते हैं। अगर आपको भी ज़्यादा काम करना है, फास्ट काम करना है, तो अपनी मशीन एकांत में रखिए, या फिर आप अपने पसंदीदा गाने चलाकर भी काम कर सकते हैं। और अगर आप बाहर का काम करते हैं तो आप सिलाई के पैटर्न भी मंगवा सकते हैं। पैटर्न रख के आपको कटिंग या स्टिचिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप पैटर्न मंगवा लेते हैं, एक बार आप पैटर्न मंगवा लेंगे तो वो रख के आपको कटिंग करना है, बार बार में आपको नाप नहीं लेना पड़ेगा, निशान नहीं लगाना पड़ेगा। आप पैटर्न रखिए और इसकी कटिंग कर लीजिए तो बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाएगी, और इसमें आप 1 सूट दिन में एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।